आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखा रहा हूँ छत पे बागवानी। चलो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, चलो आज कुछ नया देखते हैं। दोस्तों ये है तुलसी का पौधा, इसके मेडिसिनल वैल्यू आपको सबको पता होंगी। इसके बगल में जो दूसरा पौधा है वो है गेंदा। यह है सदाबहार जो वाइट कलर में है, एक पिंक कलर का भी है, वो थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ आपको। वो अगले वाले गमले में जामुनी भी कह सकते हैं उसको। इसके जस्ट बगल में है ये एलोवेरा, ये भी बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट है। उसके बाद फिर ये सदाबहार, ये है डहेलिया, इसमें अभी फूल अभी नहीं आए हैं, ये देख सकते हैं आप, ये डहेलिया है। ये अगेन फिर तुलसी का पौधा है, ये आप देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये तुलसी, इसको बताया मैंने डहेलिया, इसके पत्ते आप देख सकते हैं इस तरह से होते हैं ये। इसको गढ़वाली भाषा में कुंजा का फूल भी बोला जाता है। फिर ये आपका एलोवेरा और साथ में सदाबहार। सदाबहार तो कहीं भी उग जाता है और इजीली, इसमें सदाबहार है कि हर मौसम में इसमें फूल खिलते हैं। फिर से ये डहेलिया, इसमें लगभग तीन प्रकार के मेन फूल आते हैं, पीले कलर के, वाइट यानी सफ़ेद कलर के, और कभी कभी किसी में पिंक गुलाबी कलर जिसको कह सकते हैं उस कलर के फूल भी आते हैं। ये फिर से डहेलिया, पिंक कलर के फूल आते हैं इस पर, गुलाबी कलर। और ये यहाँ पे कैक्टस देख सकते हैं। और ये जिस दूसरे कलर के सदाबहार कि मैं जो बात कर रहा था, जामुनी या पिंक बोलें, तो ये वाला पौधा है। और फिर से ये डहेलिया, डहेलिया काफ़ी मात्रा में उगा हुआ है हमारी छत पे, तो ये देख सकते हैं आप पूरी, ये देखिए छत पे बागवानी। आज के ब्लॉग में बागवानी का नज़ारा। ये देख सकते हैं पूरी छत पे मैंने तरह तरह के पौधे लगाए हुए हैं। आसमान हल्का साफ, हल्के बादल, ये चारों तरफ का दृश्य। अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं, तो इस तरह हल्का हल्का अंधेरा होने जा रहा है क्योंकि आजकल मौसम बारिश की वजह से। तो ये शाम का नज़ारा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।